अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करें। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। सच न्यूज के बैनर अकवामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है रूस और यूक्रेन को लेकर। रूस यूक्रेन तनाव गंभीर हालत में पहुंचा चुका है। जो बाइडेन की वार्निंग थी, अमेरिका नागरिक तुरंत यूक्रेन छोड़ दें, रूस से कभी भी सीधी लड़ाई हो सकती है। रूस और नाटो फोर्सेस के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने को कहा है। एनबीसी न्यूज से बात करते हुए बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन और रूस की सेना के बीच कभी भी सीधी लड़ाई शुरू हो सकती है। बाइडेन ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक के साथ तकरार की स्थिति में हैं। ये बहुत ही अलग हालात हैं। जल्द ही चीजें और बिगड़ सकती हैं। अमेरिकी नागरिकों को जल्द यूक्रेन से बाहर निकल जाना चाहिए। यूक्रेन में सेना भेजने के सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वहां पर सेना भेजने का मतलब है विश्व युद्ध की शुरुआत। गुरुवार को यूएस विदेश विभाग के एक सलाहकार ने चेतावनी जारी की है, अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तब अमेरिका अपने नागरिकों को निकालने की स्थिति में नहीं होगा। वहीं अमेरिका थिंक टैंक चेतावनी भी जारी कर चुका है कि रूसी सेना फुल स्केल युद्ध शुरू करती है तो उसके टैंक सिर्फ 48 घंटे में यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हो जाएंगे। युद्ध के आसार खतरे के बीच रूस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रूस ने गुरुवार को बेलारूस की सेना के साथ युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। हाल के सालों में सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसमें टैंक, लड़ाकू विमान, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ हजारों सैनिक भाग ले रहे हैं। युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका ने बीती रात यूक्रेन के हथियारों की दूसरी खेप भेज दी है। इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से $200 मिलियन की सुरक्षा सहायता यूक्रेन भेजी गई है। पूर्वी यूरोप में तनाव के मद्देनजर अमेरिका के 8,500 सैनिक हाई अलर्ट पर भी हैं। रूस के संभावित हमले के मुकाबले के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन की बड़ी तादाद में एंटी टैंक मिसाइल और एंग्लो स्वीडिश एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें सौंपी हैं। वही बात अगर कनाडा की करें तो कनाडा में आंदोलनकारियों ने खाई कसम, उखाड़ फेंकेंगे जस्टिन ट्रूडो की सत्ता इस्तीफे की मांग पर अड़ चुके हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को शायद अब समझ में आ रहा होगा कि लोकतंत्र पर प्रदर्शन को रोकना कितना मुश्किल होता है। कनाडा में वैक्सीन की अनिवार्यता खत्म करने की मांग को लेकर ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन काफी तेज हो चुका है। ट्रक ड्राइवर्स एक साथ हजारों ट्रकों का हॉर्न बजाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में पूरी राजधानी गूंज उठती है। जनवरी के आखिर से ही कनाडा में सरकार और प्रोटेस्टर्स के बीच गतिरोध जारी है और अब ये प्रोटेस्ट प्रदर्शन बढ़कर अमेरिका की सीमा तक जा पहुंचा है और कनाडा का व्यापार बुरी तरह से इससे इफेक्ट हो रहा है। प्रोटेस्टर्स ने ठीक उसी तरह का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया जो रास्तों को जाम कर दिया है, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में सीएम के खिलाफ आंदोलनकारियों ने और किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने किया था। ऐसे में ब्रिज बंद होने की तरह से व्यापार पूरी तरह से रुक गया और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को पुलिस फोर्स के जरिए हटाने की वार्निंग भी दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ट्रूडो भी सैन्य कार्यवाही की धमकी दे चुके हैं और ये वही ट्रूडो हैं जिन्होंने भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर भी अपनी बयानबाजी दी थी। जहां एक तरफ प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, दूसरी तरफ प्रदर्शन की वजह से कनाडा को करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। इसके साथ ही अब देश में जरूरी सामानों की कमी होने की आशंका भी गहराने लगी है। कनाडा में चल प्रदर्शन का असर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अमेरिका पर भी पड़ने की आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों के ट्रक ड्राइवर्स भी अब वैक्सीन मैंडेट के खिलाफ आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। वहीं एक स्वतंत्र सर्वे में करीब 62% कनाडाई ने विरोध प्रदर्शन का विरोध किया और कहा है कि सभी लोगों को कोविड-19 के खिलाफ सरकारी उपायों का पालन करना चाहिए। अब अगर बात पाकिस्तान की करें तो बेटे की चाहत अब भी लोगों के दिल से बाहर नहीं निकल रही और बेटे के लोग किसी भी हद से गुजरने को तैयार हो जाते हैं। लोगों को इसकी मानसिकता का फायदा कुछ डोंगी बाबा और पीर उठाते हैं और जानलेवा इलाज कर देते हैं। पाकिस्तान में से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां एक फर्जी पीर ने एक औरत को बेटा होने की गारंटी देकर उसके सर में कील ठोक दी। पाकिस्तान के पेशावर का ये मामला है जहां एक कथित पीर ने महिला का बेटा होने की गारंटी देकर उसके माथे पर कील ठोक दी, जिसके बाद पेशावर के अधिकारी आरोपी पीर की तलाश कर रहे हैं जो महिला के माथे पर कील ठोकने के बाद वहां से फरार हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक कथित पीर ने महिला यानी औरत को सलाह दी थी कि अगर उसके माथे में कील ठोकी जाएगी तो गारंटी है कि उसके घर में बेटा पैदा होगा। लेडी रीडिंग अस्पताल में पीड़िता का इलाज करने वाले न्यूरोलॉजिस्ट हैदर सुलेमान, जो पीड़ित महिला का इलाज कर रहे हैं, उनका कहना है कि हालांकि कील महिला की खोपड़ी में घुस गई थी लेकिन गनीमत रही कि कील महिला के दिमाग के अंदर नहीं गई, उसे बचा लिया गया। डॉक्टर सुलेमान ने अखबार डॉन से बात करते हुए बताया है कि पीड़ित महिला ने उसे बताया कि उसके इलाके में एक और महिला के सर में आरोपी पीर ने कील ठोकी थी और गारंटी दी थी कि उसको बेटा होगा और बेटा हुआ था। हालांकि डॉक्टर सुलेमान ने कहा कि पीर महिलाओं को बेटे के नाम पर जानलेवा झाड़ फूंक करता है और रिपोर्ट्स में पता चल गया कि महिला बेटी ही पैदा होनी थी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आस्था के नाम पर जानलेवा झाड़फूंक कराना आम बात है और ज्यादातर मौलवी और इस्लाम के नाम पर लोगों को बहका की जान से खेलते हैं। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने आरोपी पीर की तलाश शुरू कर दी जो फरार हो चुका है।
ये बात अगर उत्तरी पेरू की करें तो पेरू में एक भीषण सड़क हादसे में 30 लोग घायल हो गए हैं और वहीं 20 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। नॉर्दर्न पेरू में एक भीषण सड़क हादसे में 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, कम से कम 30 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। प्रशासन के मुताबिक हादसा उत्तरी लिपटार्ट क्षेत्र में हुआ है। यात्रियों यानी पैसेंजर से भरी बस जा रही थी, तभी एकदम से बस लड़खड़ा कर 100 मीटर ढलान से लुढ़क गई और गहरे गड्ढे में जा गिरी। बस तयंबाबे के तुत्रिजो जिले से जा रही थी। ये दूरी लगभग 340 किलोमीटर यानी के 211 मील की थी। हालांकि रास्ता खराब होने की वजह से इसी दूरी को तय करने में 14 घंटे लग जाते हैं। आपको बता दें कि पेरू में अक्सर इस तरीके का सड़क हादसा दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन हादसों की वजह से ट्रांसपोर्ट का तेज रफ्तार और खराब सड़क है। हाल ही में 10 नवंबर को उत्तरी पेरू के जंगल में एक मिनी बस के हादसे में कुछ लोगों की मौत का मामला सामने आया था। अगर अब बात हिजाब मामले की करें तो फ्रांस के मंत्री बयान चर्चा में है। फ्रांस के फुटबॉल फेडरेशन ने औरतें खिलाड़ियों के हिजाब पहनकर मैचों में खेलने पर रोक लगाई है, जिसका मुस्लिम महिला खिलाड़ी विरोध कर रही है। फ्रांस के मंत्री एलिजाबेथ मोरोने ने भी लड़कियों की इस मांग का सपोर्ट किया है और कहा है कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि लड़कियां हिजाब पहनकर फुटबॉल नहीं खेल सकती। भारत में हिजाब का मुद्दा गरमाया हुआ है, जहां एक तरफ लोग कह रहे हैं कि शिक्षण स्थानों में हिजाब नहीं बल्कि यूनिफॉर्म पहनकर आना चाहिए, वहीं कुछ लोग हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों के समर्थन में कह रहे हैं कि क्यों कोई हिजाब ना पहने। फ्रांस में भी सर को ढकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हिजाब पर बहस छिड़ी हुई है। इस बीच फ्रांस के जेंडर इक्वालिटी मिनिस्टर ने गुरुवार को हिजाब पहनने की मांग करने वाली मुस्लिम लड़कियों को फुटबॉलर्स का समर्थन किया है। फ्रांस के फुटबॉल फेडरेशन के हाल ही के नियम के मुताबिक मैचों में भाग लेने वाली खिलाड़ियों को मुस्लिम हिजाब या यहूदी किप्पा सर पर ढकने वाली टोपी जो होती है जैसे धार्मिक प्रतीकों को पहनने की मनाही है। बस इसी नियम की वजह से मुस्लिम महिला फुटबॉलर हिजाब नहीं पहन पा रही है, लेकिन वो लगातार ये मांग कर रही है कि उन्हें हिजाब पहनकर खेलने की इजाजत दी जानी चाहिए। ऐसे में फ्रांस की लैंगिक समानता मंत्री एलिजाबेथ मोरोने ने भी लड़कियों की मांग को जायज बताते हुए इस नियम को हटाने की मांग करी है। फ्रांस की LCI टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कानून कहता है कि लड़कियां हिजाब पहन सकती हैं और फुटबॉल भी खेल सकती हैं। फुटबॉल पिचों पर सर पर स्कार्फ का बांधना मना नहीं है। मैं चाहती हूं कि कानून का सम्मान किया जाए। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम, ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजली, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल। जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल, बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें।